सो हेलो फ्रेंड, अगर भी आपको भी कुछ इस प्रकार से इमेज एडिटिंग सीखना चाहते हो तो मेरे वीडियो अंत तक देखना होगा। इसमें जो भी बताया हूँ स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ और यह भी बताया हूँ कि कौन कौन ऐप का यूज किया हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना फोन में क्रोम ब्राउज ऐप ओपन कर लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि देख सकते हैं मेरा फोन में क्रोम ब्राउजर ऐप ओपन हो चुका है। यहाँ सर्च पर क्लिक करना है। सर्च पर क्लिक करने के बाद हम लोग का ये वाला सर्च करना है, बिंग इमेज क्रिएटर। जैसे कि मैं इसकी पर देख सकते हैं बिंग इमेज क्रिएटर सर्च करेंगे। बिंग इमेज क्रिएटर सर्च करने के बाद हम लोग के सामने कुछ टाइम लेगा। लेने के बाद हम लोग के सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। जैसे कि मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं बिंग इमेज माइक्रोसॉफ्ट फर्स्ट वाला वेबसाइट पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद हम लोग के सामने कुछ टाइम लेगा। लेने के बाद हम लोग का माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन ओपन होकर आएगा। वेबसाइट के देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। यहाँ फर्स्ट पर आने पर लॉगिन करने के लिए कहता है, बट हम इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। अब यहाँ प्रॉम्प्ट लिख रहा है, जैसे कि प्रॉम्प्ट हम लिखेंगे सेम उसी टाइप का हम लोग का इमेज रेडी होकर आएगा। तो चलिए यहाँ पर हम प्रॉम्प्ट लिखते हैं, बट हम प्रॉम्प्ट ऑलरेडी कर टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर दिया। चलिए आप लोगों को हम वहाँ से दिखा देते हैं। हे गाइस, जैसे कि देख सकते हैं मेरा टेलीग्राम चैनल पर आ चुके हैं। यहाँ पर हम दो इमेज भी दे दिए हैं, फिर यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट दे दिए हैं। हम प्रॉम्प्ट को जल्दी से कॉपी कर लेते हैं, बहुत छोटा प्रॉम्प्ट है, देख लीजिए। ये हम जल्दी से प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेते हैं। प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने पर यहीं पर लेकर पेस्ट कर देंगे जो हम प्रॉम्प्ट कॉपी किए थे, यहाँ पर लेकर पेस्ट कर देना है। फिर यहाँ पे एक चीज का ध्यान देना है, जैसे कि मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं लिखा है ए यंग बॉयज लिखा है। तो आप ये लिखा है नो ए यंग बॉयज, जैसे कि मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं। जब गर्ल्स का बनाना है तो गर्ल्स का नाम यहाँ लिख देंगे बॉय के जगह पर। फिर यहाँ पर गर्ल्स चेंज कर देंगे जिस, और फिर यहाँ पर नेम चेंज कर देंगे, जैसे कि मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ नेम अपना चेंज कर लेंगे। नेम चेंज करने के बाद फिर यहाँ टी शर्ट का नेम नंबर चेंज कर देंगे। फिर हम लोग का सब चीज सब कुछ चेंज हो चुका है। क्रिएटर पर क्लिक करने के बाद हम लोग के सामने कुछ प्रोसेसेस लेकर लेने के बाद हम लोग के सामने चार इमेज जनरेट होकर आ जाएगा कुछ ही टाइम के बाद। हे गाइस, जैसे कि देख सकते हैं हम लोग के सामने चार इमेज बनकर आ चुका है बॉय का। इसमें से डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड पर क्लिक करना है। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद हम लोग के सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा, जैसे कि देख सकते हैं अभी नेटवर्क स्लो चलने के कारण इसलिए हम लोग का कुछ लोडिंग ले रहा है। हम लोग के सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा, जिस पर फर्स्ट वाला वेबसाइट फर्स्ट वाला पर क्लिक करना है। थ्री डॉट वाला पर करने के बाद हम लोग के सामने ऊपर डाउनलोड का ऑप्शन दिया होगा, डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे। हम लोग का सीधे गैलरी में जाकर सेव हो जाएगा, जैसे कि हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं नीचे मैसेज आ चुका है, नोटिफिकेशन मैसेज डाउनलोड का। फिर यहाँ से कट कर लेंगे। फिर कट करने के बाद यहाँ से हम कट कर लेते हैं। स्क्रीन पर देख सकते हैं फिर क्रिएटर पर क्लिक कर देंगे, हम लोग का इमेज चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ गर्ल्स का इमेज हम लोग का जनरेट करने के लिए गर्ल्स का नाम लिख देंगे। फिर क्रिएटर पर क्लिक कर देंगे, हम लोग का सामने कुछ टाइम लेगा। लेने के बाद हम लोग का सामने फिर चार इमेज बनाकर रेडी कर देगा। पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो भी यहीं पर एंड करता है। जय हिंद, वंदे मातरम।